डिजीज से अपने पौधों को बचाने के लिए फंगीसाइड का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही अच्छा कॉन्टैक्ट फंगीसाइड एंट्राकॉल। एंट्राकॉल क्या है, इसे हम किस तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल करें, इसका डोज क्या है, इसे हम कौन कौन से पौधे के ऊपर दे सकते हैं और इसे देने से कौन कौन से डिजीज़ ठीक होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंट्राकॉल एक बायर कंपनी का कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड वो फंगीसाइड होता है जो पौधे में स्प्रे करने के बाद फंगस के साथ टच में आता है और फंगस को ख़त्म कर देता है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का इस्तेमाल हम पौधे में तब करते हैं जब पौधे में बहुत ही कम फंगस का अटैक हुआ होता है या फिर पौधे में कोई भी फंगस का अटैक नहीं हुआ होता है। फंगस को रोकने के लिए हम कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फंगस का अटैक हो जाता है उसके बाद कॉन्टैक्ट फंगीसाइड उतना अच्छा काम नहीं कर पाता, तब हमें सिस्टमिक फंगीसाइड का इस्तेमाल करना होता है। एंट्राकॉल फंगीसाइड का जो कॉम्पोजिशन है, यानी मेन जो फंगीसाइड है, वो है प्रोपीनेप 70% WP। इस कॉम्पोजिशन का आप कोई भी फंगीसाइड बिल्कुल सेम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें एंट्राकॉल फंगीसाइड आप किस किस पौधे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इस फंगीसाइड को अपने सभी पौधे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। डाई बैक, पाउडरी मिल्ड्रियो, डाउनी मिल्ड्रियो, आर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, फ्रूट स्पॉट, लीफ स्पॉट, ये सभी डिजीज के ऊपर एंट्राकॉल बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। आप हर 15 दिन में एक बार एंट्राकॉल का इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कोई भी एक ही फंगीसाइड का इस्तेमाल अपने पौधे में बार बार ना करें। इसके बदले आप 2-3 फंगीसाइड को घुमा फिरा के अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करें, इससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर 1 तारीख को आपने एंट्राकॉल का इस्तेमाल किया अपने पौधे में, तो आप 15 तारीख को ब्लाइटॉक्स या फिर रेडोमिल गोल्ड, इनमें से कोई एक फंगीसाइड का अप्लाई कीजिए। उसके बाद फिर से 1 तारीख को कोई दूसरा एक फंगीसाइड इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद 15 तारीख को फिर से एंट्राकॉल इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से अगर आप आपके पौधे में फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे, तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एंट्राकॉल फंगीसाइड का डोज के बारे में। सबसे पहले मैं इस फंगीसाइड को माप लेता हूँ, लेकिन घबराइए मत, आपको ये मशीन खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चम्मच से ही आपको माप के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं 1 चम्मच एंट्राकॉल निकाल लेता हूँ और इसका वेट माप लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ग्राम हुआ है, 1 चम्मच यानी 5 ग्राम। एंट्राकॉल फंगीसाइड का डोज है हर 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम, यानी 1 चम्मच एंट्राकॉल आप 2 लीटर पानी के साथ मिलाइए और अपने पौधे में स्प्रे कीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं अपने स्प्रेयर में इसे भर लेता हूँ और अपने पौधे में इसका स्प्रे करता हूँ। एंट्राकॉल फंगीसाइड का इस्तेमाल आपने छोटे छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे सभी पौधे में कर सकते हैं। इस फंगीसाइड में जिंक भी मौजूद होता है, जो अपने पौधे के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है। एंट्राकॉल या फिर किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल अपने पौधे में सुबह सुबह कीजिए, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंट्राकॉल फंगीसाइड का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं।
यही आज का वीडियो एंट्राकोल फंगीसाइड के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।